प्रेमी के साथ भागी दो बच्चों की मां, एक साल बाद लौटने पर पंचायत ने दे दी ऐसी सजा कि देखकर हैरान रह जाएंगे। कहते हैं कि जब प्यार किया तो डरना क्या, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। लेकिन झारखंड के चतरा में एक प्रेमी जोड़े को प्यार करना और फिर लौटकर गांव आना महंगा पड़ गया। दरअसल चतरा में दो बच्चों की मां को एक कुंवारे लड़के से प्यार हुआ, वो अपने बच्चों को और पति को छोड़कर फरार हो गई। इतना ही नहीं, इस कपल ने शादी भी रचा ली जबकि महिला पहले से शादीशुदा थी। तो भाई यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बावजूद ये शादी कर ली और लौटकर गांव वापस भी आए। इतना ही नहीं, जैसे ही गांव आए गांव में हंगामा मच गया। दोस्तों ये मामला पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि ये मामला चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड के खिजूरा टांडिया गांव का है, जहां आनन फानन में गांव के चार लोगों को बुलाकर पंचायत लगाई गई। पति पत्नी को सजा सुना दी गई, उन्हें गांव से चले जाने का फरमान दिया। लेकिन इससे भी जब गांव की महिलाओं का मन नहीं भरा तो उन्होंने पहले युवक और फिर महिला के सिर के बालों को काटने की कोशिश की। महिला की इस हरकत से उसका पहला पति इस कदर गुस्से में था कि उसने उसके दूसरे पति की पिटाई कर दी। युवक के पिता की पिटाई के बाद दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर जाने का फरमान सुना दिया। जी हाँ, ये जो लेडी थी जिसने शादी की थी, इनका नाम बबीता देवी था, ये एक जवान लड़के के साथ फरार हो गई थी क्योंकि उन्हें उससे इश्क हो गया था। हालांकि ये दो बच्चों की माँ थी, इसी वजह से समाज से उन दोनों को बहिष्कार कर दिया गया। गांव से बाहर जाने का फैसला सुनाते हुए कहा कि गांव में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए इन्हें गांव से निकाला जा रहा है। दोनों का सिर मुंडवाया गया, जूते की माला पहनाई और गांव में घुमाने की मांग भी हो रही थी। हालांकि महिला बबीता देवी का पहला पति विश्वेश्वर भुइया ने भरी पंचायत में युवक के यानी महिला के दूसरे पति के पिता की मार मार कर हालत खराब कर दी थी। क्या कहेंगे इस तरह की खबरों को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।